दोस्तों 20वीं सदी के सबसे महान आविष्कारों की अगर बात की जाए तो इसमें पर्सनल कंप्यूटर नंबर वन पे आता है। और जब बात हो रही हो पर्सनल कंप्यूटर की तो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को भला कौन भूल सकता है, क्योंकि इस दुनिया में जब से पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई है तभी से माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल इस इंडस्ट्री के किंग बने हुए हैं। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि जिस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के दम पर ये दोनों कंपनीज आज इस इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही हैं वो असल में इनकी खुद की खोज है ही नहीं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स किसी और के इनोवेशन को चुराकर पर्सनल कंप्यूटर्स की दुनिया के बादशाह बने थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों साल 1960 के आसपास जब बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रहे थे उस समय जेरोक्स नाम का कंपनी कॉपियर इंडस्ट्री का किंग हुआ करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉपियर एक तरह की प्रिंटिंग मशीन होती है जिसका यूज डॉक्यूमेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी बनाने में किया जाता है। और जेरोक्स वो पहली अमेरिकन कंपनी है जिसने साल 1959 में कमर्शियल कॉपियर मशीन बनाई थी। और चूंकि इस मशीन का पेटेंट उन्हीं के नाम था इसलिए अगले 10 साल तक कोई भी दूसरी कंपनी इस इंडस्ट्री में जेरोक्स की बराबरी नहीं कर सकती थी। दोस्तों उस समय कॉपियर इंडस्ट्री में जेरोक्स का मोनोपोली हुआ करता था क्योंकि इंडस्ट्री के 85% मार्केट शेयर पर अकेले जेरोक्स का ही कब्जा था। लेकिन कुछ साल बाद जब जेरोक्स का पेटेंट एक्सपायर हो गया तो मार्केट में जापान की कुछ छोटी मोटी कंपनीज भी उतर आईं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट सस्ते दामों पर बेचकर इस इंडस्ट्री में जेरोक्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इन नई कंपनीज के मार्केट में आने से जेरोक्स की मोनोपोली खत्म हो रही थी और इसीलिए मार्केट में अपना खोया हुआ डोमिनेंस फिर से पाने के लिए जेरोक्स के मैनेजमेंट ने अपने चीफ साइंटिस्ट जैक गोल्डमैन को एक ब्लैंक चेक देकर कहा कि उन्हें नई और रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी डेवलप करना होगा जो जेरोक्स को मार्केट में एक बार फिर से टॉप पर लेकर आए। इस तरह साल 1970 में जैक गोल्डमैन ने कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में पालो आल्टो रिसर्च सेंटर नाम की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी शुरू की जिसे आज शॉर्ट में पार्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके बाद जैक ने इस कंपनी में कंप्यूटर साइंस के तेज दिमाग वाले लोगों को एक साथ जमा कर लिया और उस कंपनी में उन सभी एक्सपर्ट्स का काम सिर्फ एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था जो दुनिया में पहले कभी किसी ने ना देखी हो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पार्क में काम कर रहे रिसर्चर्स की उस टीम में जॉन वारनाक नाम के वो कंप्यूटर साइंटिस्ट भी शामिल थे जिन्होंने आगे चलकर मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी को बनाया। खैर पार्क की अगर बात करें तो इस कंपनी में काम कर रहे उन रिसर्चर्स ने कई ग्राउंड ब्रेकिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था जिसमें कंप्यूटर माउस, इथरनेट नेटवर्किंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस शामिल था। दोस्तों अब इस बात में कोई शक नहीं कि पार्क के रिसर्चर्स की ये डेवलपमेंट कंप्यूटर के फील्ड में वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस जमाने में किसी को इन डेवलपमेंट्स की असल अहमियत मालूम नहीं थी और इसीलिए जेरोक्स ने भी पार्क के इन डेवलपमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उन्होंने अपना फोकस सिर्फ कॉपियर्स के बिजनेस पर ही रखा। दोस्तों जेरोक्स के इस तरह नजरअंदाज किए जाने के बाद भी पार्क के डेवलपर्स ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि इसकी जगह उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी सारी इन्वेंशंस को जोड़कर एक नई मशीन तैयार की जिसे द जेरोक्स ऑल्टो का नाम दिया गया। असल में द जेरोक्स ऑल्टो नाम का ये प्रोडक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा कंप्यूटर था जो अपने समय से काफी ज्यादा आगे था। इस कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस भी अटैच था जिसे आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग और इवेंट रिमाइंडर जैसे फीचर्स भी दिए गए थे जिनका उस वक्त होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य था। लेकिन दुर्भाग्य से इतनी जबरदस्त और रिवॉल्यूशनरी मशीन बनाने के बावजूद भी जेरोक्स का मैनेजमेंट इससे कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुआ। दरअसल उस समय लोगों को ये कंप्यूटर काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा था और चूंकि केवल एक कंप्यूटर की कीमत $40,000 थी इसलिए जेरोक्स ने पार्क को सिर्फ 2000 कंप्यूटर बनाने के लिए ही फंड दिया। और दोस्तों सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इस कंप्यूटर को कभी कमर्शियली रिलीज किया ही नहीं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जेरोक्स के मैनेजमेंट का पूरा ध्यान सिर्फ कॉपियर्स के फील्ड में इनोवेशन लाने पर था इसलिए उन्होंने पार्क की इस डेवलपमेंट को नजरअंदाज कर दिया। अपनी इन्वेंशंस के प्रति जेरोक्स का ये रवैया देखकर पार्क के सभी रिसर्चर्स काफी दुखी हुए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई हो और उनमें से ज्यादातर लोगों ने उसी समय पार्क को छोड़ दिया जिसमें कुछ लोगों ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और कुछ स्टार्टअप कंपनीज के साथ जुड़ गए। वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फील्ड में पार्क का योगदान पूरी तरह व्यर्थ भी नहीं गया था। दरअसल उस समय स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी एप्पल के लीसा और मैकिंटोस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। शुरुआत में जब उन्होंने पार्क और उनकी डेवलपमेंट्स के बारे में सुना तो उन्हें वो सब अफवाह लगा और उन्होंने पार्क में जाने का इरादा कैंसिल कर दिया।
लेकिन जब उन्हीं की कंपनी के कई इम्प्लॉयज पार्क की वो हैरान कर देने वाली इन्वेंशंस देखे, तब स्टीव जॉब्स को भी एहसास हुआ कि उन्हें भी एक बार पार्क कंपनी में विजिट करना चाहिए। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने पार्क को साल 1979 में विजिट किया और वहां पर उन्होंने पार्क रिसर्चर्स द्वारा डेवलप की गई कुल 3 चीजें देखी, जिनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस शामिल थे। और स्टीव जॉब्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखकर इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि बाकी की 2 चीजों पर उनका ध्यान गया ही नहीं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये बात बताई कि वे GUI को देखकर पूरी तरह हैरान रह गए थे और उस समय उन्हें ऐसा लगा कि ये उनकी लाइफ में देखी गई अब तक की सबसे अच्छी चीज थी। I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I had ever seen in my life. उस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखकर स्टीव जॉब्स को ये समझ आ गया कि भविष्य में सभी कंप्यूटर्स इसी तरह से काम करने वाले हैं। साथ ही वे जानते थे कि पार्क रिसर्चर्स ने एक बहुत ही कमाल की चीज बनाई है, जिसकी असल वैल्यू से जेरॉक्स कंपनी पूरी तरह अनजान थी, और इसी चीज का फायदा स्टीव जॉब्स उठाना चाहते थे। और उन्होंने जेरॉक्स के वेंचर कैपिटल डिविजन के साथ एक सौदा किया कि अगर पार्क के रिसर्चर्स एप्पल की प्रोग्रामिंग टीम को उनके GUI का फुल टेक्निकल डेमो दे, तो बदले में वो जेरॉक्स को अपनी कंपनी एप्पल के 1,00,000 शेयर्स भेज देंगे। अब चूंकि जेरॉक्स का मैनेजमेंट पहले से ही पार्क की उन डेवलपमेंट्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझता था, इसलिए उन्होंने स्टीव जॉब्स के उस सौदे को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद एप्पल की टेक्निकल टीम को पार्क के GUI का कंप्लीट डेमो दिया गया। इसके बाद साल 1980 में स्टीव जॉब्स ने पार्क के कई प्रमुख रिसर्चर्स को अपनी कंपनी में शामिल होने का इनविटेशन दिया, ताकि उन रिसर्चर्स के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल एप्पल अपनी खुद की GUI और दूसरी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कर सके। अब दोस्तों, बिल गेट्स की अगर बात करें तो उस समय उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के साथ उनके मैकिंटोस प्रोजेक्ट पर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम कर रही थी, और एप्पल की तरह बिल गेट्स ने भी पार्क के कई रिसर्चर्स को माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के लिए बुला लिया था। दरअसल बिल गेट्स भी पार्क द्वारा बनाए गए जेरॉक्स अल्टो कंप्यूटर और उनकी दूसरे इनोवेशन को जानते थे, और वे भी पार्क के एम्प्लॉयज की मदद से अपना खुद का यूजर इंटरफेस या कहीं एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। अब स्टीव जॉब्स को जब बिल गेट्स के इस प्लान के बारे में पता चला, तो उन्होंने साल 1981 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक डील करते हुए उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया, जिसके मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट अपना कोई भी माउस बेस्ड सॉफ्टवेयर मैकिंटोस के मार्केट में आने के 1 साल बाद ही लॉन्च कर सकती थी। और इस एग्रीमेंट में मैकिंटोस के लॉन्च होने का समय 1983 के सितंबर से लेकर नवंबर तक रखा गया था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैकिंटोस का ये लॉन्च डिले हो गया। अब दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कंडीशन लिखा ही नहीं था कि अगर मैकिंटोस का लॉन्च अपने तय समय पर नहीं हो पाया तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। और इसी चीज का फायदा उठाकर बिल गेट्स ने नवंबर 1983 में सभी को सरप्राइज करते हुए अपना खुद का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज और माउस बेस्ड वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मार्केट में लॉन्च कर दिया, जबकि एप्पल अपने मैकिंटोस को अगले साल 1984 में लॉन्च कर पाया। दोस्तों, इसके लिए स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स पर एक मुकदमा भी दायर किया था, हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने बिल गेट्स को इस मामले में निर्दोष साबित कर दिया। दोस्तों, जब स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स पर जेरॉक्स पार्क की टेक्नोलॉजी को चोरी करने का आरोप लगाया, तो बिल गेट्स ने जवाब में एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम दोनों के पास जेरॉक्स नाम का एक अमीर पड़ोसी था, और मैं जब उसका टीवी सेट चुराने के लिए उसके घर में घुसा तो मुझे पता चला कि तुम मेरे आने से पहले ही इसको चुरा चुके थे। दोस्तों, ये स्टेटमेंट उस वक्त बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी। तो यार, लास्ट में ये सवाल आता है कि स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स ने जो किया, क्या वो सही मायनों में चोरी था? आज अलग अलग लोग इसके बारे में अपनी अलग अलग राय रखते हैं। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन एक बात सच है कि आज के समय में जिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को हम सभी लोग यूज करते हैं, वो जेरॉक्स और पार्क के कंट्रीब्यूशन के बिना पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।